हाँ जी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुमने अपने अब्बू और फैमिली को नहीं बुलाया शादी पे? बुला लेती। बताया तो था मैंने उन्हें, अब्बू शायद ना आए लेकिन बाकी लोग आएंगे। ये बताओ तुम्हारी सबा से सुलह हुई? सुलह? हाँ हो गए। ये तो अच्छी बात है। तुमने वैसे कभी बताया नहीं कि किस बात पे लड़ाई हुई थी। छोड़ो ना ये बातें, अब तो ये इस घर में आ रही है, रिश्ते बदल जाएं तो हालात भी बदल जाते हैं। ये तो है, और वैसे भी एक ही घर में रहना है तो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तुम देख ही रही होगी कि अम्मी और खाला शादी से कितना खुश है, कितने अरमान से सारी तैयारियां की। सीपू, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब आ गई हो तो मुझे सदा सुहागन रहने की दुआएं दो। सदा सुहागन हो? दिल से कह रही हो? सबा खामोश हो, सब तुम्हें ही तो देख रहे हैं। सब मुझे ही तो देखेंगे। मैं आ रही इसकी दुल्हन हूँ जिसे वो अपनी मर्जी से पसंद करके ला रहा है। मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है, मेरे पास बैठो, आखिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। जीबू बेटा, अकेले यहाँ क्या कर रही हो? हमारे साथ आके बैठो, सब लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं। खाला मी, मेरा दिल थोड़ा सा घबरा रहा था। दिल क्यों घबरा रहा है बेटा? इतनी रौनक है, गहमा गहमी है, हल्ला गुल्ला, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आजो शाबाश, आओ। भाई वाह, मैं तो हैरान ही रह गई, शादी में बहुत खर्चा कर दिया तुमने, है? नहीं, मेरा इतना लाडला बेटा है तो अब इतना भी ना करते, उसके लिए तो नॉर्मल हमने बहुत लिमिटेड लोगों को इनवाइट किया। अरे हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा। भाई जेबू तो बहुत खुश होगी कि इसकी सहेली इसकी जेठानी बन रही है। भाई दोनों में बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती है, अब दोनों खैर से एक ही घर में रहेंगी। अच्छा हुआ ना, हमें आरएस के लिए घर घर जाकर लड़कियां नहीं देखनी पड़ी। हाँ ये तो है। वैसे सबा तो हमारी देखी भाली बच्ची है, जेबू के साथ अक्सर घर आया करती थी। सफीना, ये तहमीना शादी गुजारने के बाद अपने घर चली जाएगी ना? नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों घर इसके हैं, यहाँ रहे या वहाँ। ये तो जाना चाह रही थी अपने घर, लेकिन मैंने और फवाद ने जबरदस्ती रोक लिया। सफीना भाई, जैसे तुम जेबू से प्यार करती हो, क्या शादी के बाद मेरी सबा से भी ऐसे ही प्यार करोगी? वैसे जेबू की अपनी जगह है और सबा की अपनी जगह होगी, हर रिश्ते का अपना अलग मकाम होता है। ये तो है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है आज। हाय, बहुत शुक्रिया।
बहुत पुराने कपड़े थे मेरे। हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत रूप आया तुम पर सबा। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, सदा सुहागत। जेबू बेटा हाँ के मिलो ना सबा से। जेबू का तो इंतजार भी खत्म हो गया है, दोस्ती हो तो ऐसी हो। जेबू आओ ना, तस्वीर ले लेते हैं, यादगार रहेगी। जारा हमारी तस्वीर तो ले दो। सबा का रवैया तुम्हारे साथ ठीक था? हाँ ठीक है, बहुत खुश है वो। चलो ये तो अच्छी बात है, आरिज बहुत खुश है। मैंने जिंदगी में उसको ऐसे नहीं देखा, अपनी सारी शादी की तैयारियां उसने खुद की हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था वो किसी लड़की से इतना प्यार करेगा कभी भी। हाँ तो अच्छी बात है ना, मेरी दुआ है कि वो हमेशा खुश और आबाद रहे। तुम्हारा मूड ठीक है? हाँ वो बस कुछ दिनों से सोई नहीं हूँ ना, तो देखा मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ लेता। अच्छा अब मेरा इस फिलॉसफी के बारे में बात करने का कोई मूड नहीं है। चलो जाके बैठते हैं सुकून से, आ जाओ। किरण तुम वाकई आरिज की शादी में जाना चाहती हो? जी अम्मा, मैं बस थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगी। फिर नहीं जाना चाहती तो छोड़ दो। नहीं अम्मा, मैं जाऊंगी। मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं मजबूत हूँ, बहादुर हूँ। मुझे आरिज की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आरिज ने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? ठीक है तुम तैयार हो जाओ, फिर साथ चलते हैं, ठीक है? जेबू, इतनी खूबसूरत लग रही हो आज, मुझे माई शादी का दिन याद आ गया। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल एक हीरो की तरह। हाँ लेकिन मेरी हीरोइन तो तुम ही हो। अब रोमांटिक गाने ना गाने लगे। फिर चाह रहा है कि मैं कहीं यहाँ से दूर ले जाऊँ, जहाँ सिर्फ तुम और मैं।
बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही। तुम्हें देखने से दिल ही नहीं भर। किरण तुम, मैं सोचा कि आके देखूं तो कि सभा कैसी लग रही है। देखो किरण, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, देखना तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी होगी। मुझे तो सभा में कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आई। ना जाने आ रही उसको ऐसी क्या खास बात लगी उसमें कि उसने सबको नजरअंदाज कर दिया। इस सवाल का जवाब आरेज ही दे सकते। पता है जैबू, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारी शादी आरेज से हो जाएगी। क्या? हाँ, मगर मैं गलत निकली। तुम्हारी शादी फवाद से हो गई और मैं कितनी खुश हो गई थी कि अब मेरी शादी आरेस से हो जाएगी। मगर कितनी नादान थी ना मैं, हमेशा तुम्हें अपना हरीफ समझती रही। मगर मेरी असल दुश्मन तो सभा है। ये तुम क्या कह रही हो किरण? सही तो कह रही हूँ मैं, अभी तो मौका मिला है मुझे ये सब कहने का। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। आरेस की शादी हो गई और शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। तुम्हें लगता है कि ये शादी चलेगी? ऐसा बोलो किरण, किसी ने सुन ली तो हंगामा होगा। तुम कोई और बात करते ना, भूल जाओ सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा उससे चलेगी। चलो चलो आ जाओ, खाना खाते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सफीना, मेरी सभा का बहुत ख्याल रखना। मैंने बहुत मेहनत और मशक्कत से पाला है उसे। लाडो की पली हुई। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सभा मेरी बेटियों जैसी है। सेबू भी मेरी बेटी है, बहू नहीं। सेबू तो आपके खानदान की है, आपकी भांजी है ना वो। सभा हमारी बहू है, हमारे घर में उसे बहुत अपनाइयत और मोहब्बत मिलेगी। हम लोग बहू बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं। आप बेफिक्र हो जाएं, पूरी तसल्ली रखें आप। सेबू तो आपके खानदान के सब तौर तरीके जानती थी ना, मगर मेरी सभा के लिए सब कुछ नया है। नया खानदान है, नया माहौल है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम सभा का बहुत ख्याल रखेंगे। वैसे भी जेबू के साथ कई बार वो आ चुकी है हमारे यहाँ। हाँ, हम बहुत सादा लोग हैं, हमारे घर का माहौल भी बहुत सादा है। आप फिक्र ना करें, सभा को बहुत मोहब्बत मिलेगी हमारे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। हमारी जेबू तो बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत अच्छा किया जो आप आ रहे हैं। मगुनी लेकिन मैं तो आ गई हूँ ना। That's what matters. ड्रेस बहुत प्यारा है। और सफीना जी और तमीना जी की बहुत खुशी हुई। शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ये सबा की दादी हैं। ये जेबू की स्टेप मदर है, लेकिन जेबू का बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं इससे। ऐसे जेबू की कहानी भी अजीब हैरत अंगेज किस्म की कहानी है। जेबू अपने अबू से मिलने जाती रहती है, लेकिन पली बड़ी वो हमारे यहाँ है। मैंने तो उसे माँ बनकर पाला है ना आप? हाँ, खाला भी तो माँ की तरह होती है ना भाई। वैसे तो लोग सौतेली माँओं से बहुत नफरत करते हैं, मगर आप लोगों के खुशगवार ताल्लुका देखकर मैं तो बहुत हैरान हूँ। हमारे खानदान में नफरतों का रिवाज नहीं है। सब लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं और रिश्ते भी निभाना जानते हैं। बस भाई, यही खानदानी लोगों की पहचान है। ये पुराने दौर की बातें थी कि सौतेली माएँ जुल्म और सितम करती थी। अब लोग बाशऊर हैं, वो रिश्तों को समझते भी हैं और निभाते भी हैं। अच्छा चले, हम स्टेज पे चलते हैं दूल्हा दुल्हन के। जी एक्सक्यूज मी। आप अभी तक जाग रही हैं? बस बेटा, थोड़ी देर में सो जाऊंगी। हरेश की शादी ने तो मुझे थका ही दिया है। सेबू बेटा, मैं देख रही हूँ तुम्हारी और सबा की पहले वाली दोस्ती और बेतकल्लुफी नहीं रही। क्यों? बस खाला मी, वक्त के साथ दोस्ती, रिश्ते, ताल्लुकात सब बदल जाते हैं। ऐसा क्यों हो बेटा? क्या तुम्हें वाकई नहीं पता चला कि सबा और आरेज कब करीब आ गए? इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? वैसे मैंने भी देखा है, सबा वाकई बहुत बदल गई है और उस पर उसकी दादी का बड़ा असर है। अब ठीक कह रही हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारा और सबा का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। ऐसा जरूरी थोड़ा ही है कि हर दफा देवरानी और जेठानी में मुकाबलाबाजी हो। घर में तो प्यार मोहब्बत से, इत्तेफाक से रहना चाहिए। हर शख्स की अपनी जगह और अपना मकाम होता है ना? अब हर कोई आपकी तरह तो नहीं सोचता ना खाला मैं? बेटा, क्या कोई बात ऐसी है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खैर, आप सो जाएं, मैं चलती हूँ।
मेरे घर में तुम्हें हर किस्म का आराम मिलेगा, कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हें। अब ये मेरा घर ही तो है। हाँ, ये तुम्हारा घर है सबा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे घर वालों का बहुत ख्याल रखोगी, उन्हें खुश रखोगी। मैं कोशिश करूंगी। तुम्हारे लिए एक तोहफा। ये तो बहुत कीमती है, पहना दो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, रिश्तों में वफा होनी चाहिए, वफा कीमती होती है। ये हमारी मोहब्बत की निशानी है, मैं इसको कभी नहीं उतारूंगी। इस अंगूठी को हमेशा पहने रखना। ये तुम्हारी निशानी है, मैं इसे हमेशा पहने रखूंगी। मोहब्बत तो हर कोई कर लेता है सबा, वफा अहम होती है, वफा करना हर किसी के बस की बात नहीं। अब हमारी शादी हो गई है और हम दोनों मियां बीवी हैं। मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत भी होती है और वफा भी, और ये सेज मेरी थी, मुझे यही तो आना था। सोच में गुम हो? कुछ नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। चलो पिक्चर लेते हैं, बाद में सबको दिखाने भी तो है। ये देखो कितनी अच्छी आई है। आ रही हूँ। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अभी तो सब सोए हुए हैं। देखो तो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए। आपको बुरा तो नहीं लगा है? किस बात का? हाय, मैं सुबह सवेरे आ गई हूँ। नहीं नहीं, आइए चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा। भाई मैंने सोचा सुबह उठी गई हूँ तो नाश्ता ले जाऊँ आप सबके लिए। ये तो आपने बहुत तकल्लुफ कर दिया। अरे तकल्लुफ की क्या बात है भाई, मुझे तो आदत है सुबह सवेरे उठने की। जो ताजगी सुबह सवेरे उठने में है ना भाई, वो तो किसी चीज में है ही नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। अभी थोड़ी देर में सबा और आरिज भी जाग जाएंगे। शुक्र है अल्लाह का, सबा की शादी की सारी जिम्मेदारियां, सारे फराइज पूरे कर दिए। बस दिल उदास भी बहुत है और खुश भी बहुत है। क्यों दिल उदास क्यों है? सबा का अपना घर है, जब दिल चाहे आप यहाँ पर आए। मुझे पता है आपने कितनी मेहनत से सबा को पाला। हाँ ये तो है भाई, अब तो ये अपना ही घर है ना, आना जाना तो लगा ही रहेगा। और हाँ भाई, खड़ी खड़ी यही बातें किए जाओगी या बिठा के नाश्ता भी कराओगी? हैं, यहीं खड़े रहना है। ये लो थामो उसे। अब आप लोग अंदर चल के बैठे, मैं जाके सबा को देखती हूँ। सुनो जेबू को भी देख लेना। जी अप्पा, मैं देखती हूँ। आइए जी, आए हैं। ये नाश्ता ले बेटा। आपने मिला वजह का। किरण, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था, ये तुम्हारी अपनी सोच अपना ख्याल, तो मुझे इल्जाम नहीं दे सकती थी। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मगर अब मेरी शादी होने वाली है और इन सब बातों का कोई फायदा नहीं किया।
जेबू बेटा तुम यहाँ खड़ी हो, जाके सबा को बुला लो, उसकी दादी नाश्ता लेके आई है। मैं जरा किचन में मसरूफ हूँ। मैं बुलाऊ? हाँ बेटा, भाभी है वो तुम्हारी, जल्दी से बुला लो उसे, मैंने टेबल पे नाश्ता भी लगा दिया। आज शाबाश। नफरत के मारे कहाँ जाएंगे इन गैरों की बस्ती में, मेरे खुदा अपने प्यारों के मारे कहाँ जाएंगे। तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत ना कर, क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया ने जाना उतर, मेरी आंखें भीग के पल रही है, भीग पे और कोई मेहर है ना। खुदाया मैं देखता। सबा के घर वाले नाश्ता लेकर आए, उसे बुला रहे। हम आते हैं। रुको, सबा तुम्हारी इकलौती भाभी है, नई नवेली दुल्हन है, उसके नाज नखरे उठाना तो बनता है। देखो अकेले तैयार हो रही है, आकर उसकी मदद कर दो। तुम उसकी फिक्र ना करो, सबा हर काम में खूब माहिर है। हारिस? कौन था? सेबू थी, तुम्हारी दादी आई है घर पे नाश्ता लेके, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं तो तैयार हूँ, चलो चलते हैं। चल आजा। लो भाई, दूल्हा दुल्हन भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। कैसी हो बेटा? मैं ठीक दादी, आप कैसी हैं? बेटा हम सब नाश्ते के आवियों का इंतजार कर रहे थे। अबू वो सभा तैयार हो रही थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। हाँ, दुल्हन को तैयार होने में इतना वक्त तो लगता है। वो मुझे तो लगा कि जेबू मुझे तैयार करने आएगी, लेकिन लगता है वो देर से उठी है। बेटा जेबू इतना अच्छा मेकअप नहीं कर सकती जितना तुमने खुद किया, अपने फेस का पता होता है ना। और बेटा शादी वाले घर में बहुत से काम होते हैं, मेहमानदारी होती है, अब जेबू चाहिए क्या क्या करेगी? चाय मैं दोबारा गर्म कर लाती हूँ, मेरे ख्याल ठंडी हो गई होगी। अरे नहीं नहीं, रहने दो, हम ठंडी पी लेंगे, कोई बात नहीं। मुझे ऐसे लगता है जैसे आरेस की खाला ना बहुत ही काम करती है घर का। जब ये अपने घर में चली जाएगी तो आप सब लोग तो बहुत याद करेंगे इसे। इसलिए अब हमें जाने नहीं देंगे, ये अब हमारे साथ ही रहेंगी। असल में बच्चे तहमीना से बहुत प्यार करते हैं। नहीं जी जी। लो भाई जेबू भी आ गई। मेरा ख्याल नाश्ता शुरू करते हैं, ठंडा हो रहा है। हाँ बातें तो होती रहेंगी, नाश्ता ठंडा हो रहा वाकई। अब बेटा देना मुझे। ये लो, अरे सभा की प्लेट में डालो ना। जी। तकलीफ ना करो बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है। भाई अभी सभा के लिए सब कुछ नया नया है ना, इसीलिए शर्मा रही है। नई नवीली दुल्हन जो होगी। हमारे खानदान में शौहर बीवियों के बहुत ताबेदार होते हैं, अब फवाद और जेबू को ही देख लें। भाई जेबू और फवाद के प्यार की मिसाल तो कहीं मिलती नहीं। भाई ये दोनों तो इश्क और मोहब्बत की लाजवाब दास्तान है। माशाल्लाह
मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत ही तो बुनियाद होती है। भाई मैं तो बहुत खुश हुई हूँ आप लोगों का माहौल देखकर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब सब लोग तो बहुत प्यार मोहब्बत से और मिलजुल कर रहते हैं। भाई आजकल तो ऐसा माहौल देखने को कम ही मिलता है, हर तरफ नफसा नफसी का आलम है। हमने अपनी रिवायात को आज भी बहाल रखा हुआ है, हम सब मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। उम्मीद है कि ये प्यार मोहब्बत ये इत्तेफाक कायम रहे। एक साथ रहने में ही सबका फायदा होता है, मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा।